हे गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम में ऐड हुए एक नए फीचर के बारे में जो कि है काउंटडाउन। अब ये होता क्या है, इसे यूज़ कैसे करते हैं, जानने के लिए हमें एक स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो एज एन एग्जांपल मैं यहाँ पर एक स्टोरी क्रिएट करता हूँ मेरी प्रोफाइल में। ओके, तो यहाँ पर अब हम जाना है स्टिकर्स वाले सेक्शन में। तो स्टिकर्स में जाते हैं और यहाँ पर हमें थर्ड रो के अंदर काउंटडाउन वाला जो फीचर है वो मिल जाता है। अब यहाँ पर हम इस पर टैप करते हैं और देखते हैं कि भाई ये है क्या। ओके, तो यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है क्रिएट काउंटडाउन का और नीचे आपको आपके जो पुराने जो ओल्ड काउंटडाउन्स हैं जो चल रहे हैं वो यहाँ पर नीचे शो करेंगे। तो यहाँ पर क्रिएट काउंटडाउन पे क्लिक करो, उसके बाद में आपको यहाँ पर काउंटडाउन का नेम देना है। तो बेसिकली अगर आपका कोई इवेंट आने वाला है, आपकी कोई पार्टी आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो उसके लिए जो है यहाँ पर आप टाइमर सेट कर सकते हो, टाइमर चलता रहेगा और आपके व्यूअर्स को जो है वो शो होगा। तो एज एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है बर्थडे और यहाँ पर जो है मैं टाइमर सेट कर दूंगा नीचे। कोई भी आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप नीचे ओल्ड डे को अगर डी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप डेट के साथ में टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, घंटे एंड मिनट्स। तो यहाँ पर हम इसे डी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप डेट टाइम भी सेट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से जो है काउंटडाउन जो है वो शुरू हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि इसका बेसिक जो यूज़ है वो क्या है। तो ये तो बात हो गई हमारे काउंटडाउन की जो कि आप क्रिएट करोगे। यहाँ पर आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, ये फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। इसके अलावा आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, यानी कि आप इसको छोटा बड़ा या फिर इसकी पोजीशन कहीं पे भी चेंज कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं कि अगर आप इसको पोस्ट कर देते हो स्टोरी के अंदर तो सामने वाले बंदे को कैसे दिखेगा, यानी कि जो फॉलोअर होगा आपका उसको कैसे दिखेगा। तो एज एन एग्जांपल हम यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपनी दूसरी प्रोफाइल से मेरी प्रोफाइल चेक की है, तो यहाँ पर आप देखिए जैसे ही मैं देखूंगा तो यहाँ पर मुझे आता है कि टैप करिए आप स्टिकर पे, यानी कि इस स्टिकर पे टैप करो, काउंटडाउन पे टैप करो और आप जो है यहाँ पर रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। तो एज एन एग्जांपल मैं टैप करता हूँ, यानी कि आपका जो फॉलोअर होगा वो टैप करेगा, उसको ये ऑप्शन मिलेंगे रिमाइंड मी और शेयर काउंटडाउन। तो रिमाइंड मी पे जो अगर वो क्लिक करेगा तो एक तरह से उसके लिए रिमाइंडर का काम करेगा और उसको जो है उस टाइम पे एक रिमाइंडर चला जाएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा। और अगर आप शेयर काउंटडाउन पे क्लिक करेंगे, यानी कि आपका फॉलोअर शेयर काउंटडाउन पे क्लिक करेगा तो वो आपका काउंटडाउन जो है उसकी प्रोफाइल पे उसकी स्टोरी में शेयर कर सकता है। तो ये भी कमाल का फीचर है। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर दीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों, आपके रिश्तेदारों के साथ जिसको ये फीचर के बारे में मालूम नहीं है। गाइस, मैं मिलता हूँ आपको अगले और ऐसे ही किसी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड स्टे सेफ।